सर, ये बहुत सालों बाद मैं इस तरह के डिस्कशन को देख रही हूँ। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, उस व्यथा को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ सर। मोर देन द व्यथा, द इंसल्ट दैट अ वुमन फेस्ड एट दैट टाइम। टुडे आई स्टैंड हियर एज अ मदर, एज अ ग्रैंड मदर, विथ सो मच पेन। आज हम लोग सब लोग, ना वो, ना ये, ना ये, किसी ने भी सिर्फ बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई फार्मर थे, कोई ये थे, कोई वो थे। सर, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट हैज हैपेंड। हमको इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। वी मस्ट राइज अबव दिस। वी हैव लॉस्ट 3 यंग पीपल, और ऐसे बहुत से यंग लोग गए हैं। सब लोग यहाँ बैठ के मैं तब से देख रही हूँ। मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ। सब लोग अपना अपना पिट्ठू फिट कर रहे हैं पॉलिटिकली। दिस इज नॉट डन। वी आर राज्यसभा, वी हैव बीन नॉमिनेटेड हियर टू रिप्रेजेंट पीपल। वी मस्ट टॉक विथ कंपैशन एंड इंटेलिजेंस। अब CPWD है, MCD है, NDMC है। NDMC मैं सोचती हूँ शायद नेशनल, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली कॉर्पोरेशन। अरे सर, इसका क्या मतलब होता है? जब मैं अपना ओथ लेने के पहले यहाँ आई, मेरे घर में घुटने तक पानी था। एवरीथिंग इन माई हाउस वॉज रूइंड, एवरीथिंग। द क्वालिटी दैट इज बींग यूज बाय दीज एजेंसीज टू डेप look after the homes of MPs are so poor. They are so poor and the problem starts there, sir. और ये किसी सरकार की गलती नहीं है, ये हम सब की गलती है। ना हम लोग कंप्लेन करते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो इंचार्ज होते हैं वो कौन होते हैं, उनकी क्या what is their response? ये सब हम सोचते नहीं थे। हम आज हर चीज में पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं सर, इससे बहुत दुख होता है। इट्स अ वेरी वेरी सैड। और मैं जानती हूँ त्रिवेदी जी की मैं बहुत बड़ी वक्त फैन हूँ सर, एक छोटी सी फैन हूँ। ये जब बोलते हैं तो मैं इनको बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि आई लव हिज लैंग्वेज। मगर आपने भाव से बोला, मुझे उसमें थोड़ी कमी लगी। आज आप पॉलिटिकली बोले, आप अपने दिल से नहीं बोले। आप इन लोगों को सुनाने के लिए बोले, आप नॉर्मली ऐसा नहीं बोलते हैं। मुझे बुरा लगा। मैं एक छोटी सी पंक्ति बच्चन जी के एक कविता से पढ़ना चाहूँगी, अगर आप बुरा ना माने तो। एम आई लव, थैंक यू सर। भार उठाते सब अपने अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल। भार उठाते सब अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल। अपने सुख दुख के बोझ को सबको अलग अलग ढोना है, साथ ही हमें अलग होना है। थैंक यू सर, धन्यवाद।